सरप्राइज ऑनलाइन लर्निंग सेंटर में आप लोग का स्वागत है। मैं हूं अंकित पांडे, आया हूं आपको पढ़ाने केमिस्ट्री। आप पढ़ रहे थे विलयन और आज हम बात करने वाले हेनरी के नियम की यानी हेनरी लॉ की। अब हम इस में देखिए क्या होता है कि हमारे पास एक पात्र है और उस पात्र में हमने जो है एक द्रव रखा हुआ है, लिक्विड रखा हुआ है, और उस द्रव में द्रव की ऊपरी सतह पर हमने कुछ गैसेस, मान लेते कोई भी गैस ए रख दिया है, गैस ए रख दिया, उसी के ऊपर से हमने एक पिस्टन लगा दिया और हम दाब डालने जा रहे हैं। तो दाब लगाने से पहले हमने क्या देखा, कुछ गैसें जो ऊपरी सतह पर थी वो धीरे धीरे करके एक उसके कुछ अंश जो है द्रव में भी चले जाने लगे। तो पहले तो हमने इसे थोड़ी देर के लिए रोक रखा हुआ था कि ताकि ऐसी स्थिति में साम्यावस्था आ जाए, साम्यावस्था आ जाए, उसके पश्चात हम उस पर जो है दाब डालें। तो जो हेनरी का नियम है, जैसे कि अभी तक हमने पढ़ा था कि अब तक जो हम विलयन के बारे में पढ़ रहे थे वो अधिकांश विलयन हमारा द्रव द्रव के बारे में हुआ करता था या फिर ठोस और द्रव के बारे में हुआ करता था, कि मतलब अगर हमारा जो विलायक है, हमारा विलायक यदि द्रव है तो विलेय, एक हमने द्रव के बारे में पढ़ लिया जो कि डाल्टन का नियम बताता था, डाल्टन का सिद्धांत बताया करता था, या फिर जो है वहाँ पे हमने पढ़ रखा होता पी ओ माइनस पी एस अपान पी ओ इक्वल टू एन अपान एन प्लस कैपिटल एन, यानी कि यहाँ पे भी हम जो है इस तरीके के सिद्धांत राउल के नियम में पढ़ चुके थे। ठोस के रूप में भी हमने पढ़ा कि भाई अवाष्पशील हुआ या वाष्पशील हुआ, ये इस तरीके के ठोस जब आपस में द्रव में जाके कन्वर्ट करते हैं, मतलब विलयन बनाते हैं, तो क्या केस उत्पन्न होता है। हेनरी का लॉ बताता है कि भाई अगर विलेय गैस हुआ तो विलायक द्रव में कैसी स्थितियां उत्पन्न होगी, उसके बारे में हमें अध्ययन करना है, हेनरी लॉ के बारे में पढ़ना है। अब जैसे हमने क्या किया कि भाई हमने एक द्रव लिया, कोई भी द्रव, और उसमें एक गैस ले लिया हमने, गैस की कोई भी मात्रा हमने ले ली। अब हमने क्या कहा कि उसके ऊपर एक पिस्टन तो लगा दिया, लेकिन अभी हमने इंतजार किया कि स्थिति साम्यावस्था को प्राप्त कर ले। साम्यावस्था को स्थिति प्राप्त करने पर हमने देखा कि कुछ गैसी अणु जो है वो द्रव में जा चुके हैं और कुछ जो है द्रव की सतह से ऊपर स्थित है। तो ये एक मतलब स्थिति आ गई जिसे हमने साम्यावस्था का, यानी कि गतिक साम्यावस्था की हमने स्थिति प्राप्त कर ली। अब हमने क्या किया कि इसी में हमने पी वन का दाब लगा दिया, यानी पी का एक नियत ताप पर हमने क्या किया, हमने क्या किया कि पी का जो है दाब लगा दिया। मान लेते हैं कि इतना हमने क्या कर दिया, दाब लगा दिया, ये दाब हमने कितना लगाया, कैपिटल पी लगा दिया, गैसों के द्वारा दाब। अब जैसे ही हमने यहाँ पे पी दाब क्रिएट किया तो देखा कि हमने जो है कि कुछ गैसें जो है फिर से लिक्विड में चले गए, मतलब अधिकांश और ज्यादा भी गैसें जो है लिक्विड में चले गए, और कुछ गैसेस अभी भी जो है उतने स्थिति में, उतनी आयतन की स्पेस में अभी भी बचा हुआ। यहां से जो हमारी स्थिति हुई द्रव प्लस गैस, और यहाँ पे क्या बचा हुआ, केवल गैसे, तो हमने देखा यहाँ पे कौन सी स्थिति आई हुई है कि भाई जब हम एक स्थिर ताप पर दाब डालते हैं, दाब एक्चुअली में हम ऊपर से डालें या गैसों के द्वारा उत्पन्न हुआ दाब है, ये भी कह सकते हैं कि अगर हम दाब डालते हैं तो फिर से साम्यावस्था का इंतजार करते हैं, साम्यावस्था का इंतजार करते हैं, तो एक परिणाम हमें प्राप्त होता है कि ये जो जो दाब डाले गए हैं वो कहीं ना कहीं उस गैस और उस द्रव के अकॉर्डिंग जो है एक जो है स्थिर स्थिति उत्पन्न कर रहा है, मतलब एक नियत स्थिति उत्पन्न कर रहा है। नियत स्थिति उत्पन्न करने का तात्पर्य ये है कि जितने भी गैस द्रव में घुले हैं, जितने भी गैस द्रव में घुले हैं, यदि उनका मूल प्रभाज ले लिया जाए, मूल प्रभाज किसका, वो गैस दाब डालने पर जितने भी गैस, यानी कि ए का जो मूल प्रभाज है, ए गैस ए का जो मूल प्रभाज है, और जो दाब हमने डाल रखा हुआ है कैपिटल पी, जब हमने देखा कि तो उसमें जो स्थिति उत्पन्न हो रही है वो कुछ इस प्रकार से उत्पन्न हो रही है, वो हमेशा नियत है, यानी कि अगर हम प्रेशर इतना लगाएंगे तो दाब जो है इस स्थिति पर उत्पन्न होगा, अगर हम P2 का प्रेशर लगा देंगे तो जो दाब है हमारा
वाह, तो ये मोल प्रभाज हमारा X2 हो जाया करेगा अगर हम दाब P3 लगा देंगे तो। एक नियत कंडीशन में, मतलब मेरे कहने का मतलब है कि कितना भी हम दाब बढ़ाएं उसमें घुलने वाले मोल प्रभाज, मतलब मोलों की संख्या सदैव जो है नियत रहेगी, एक स्ट्रेट लाइन पर रहेगी। ऐसा कुछ हमारा जो है क्या प्राप्त होता है, ग्राफ प्राप्त होता है। इस स्थिति को समझते हुए फिर समझ में आता है कि यकीनन जो डाला गया गैस के द्वारा जो डाला गया प्रेशर है वो किसके ऊपर निर्भर करता है, वो गैसों के मोलों की मोल प्रभाज के ऊपर निर्भर करता है। यानी कि अगर पी आ ए के द्वारा डाला गया दाब पी ए है तो वो ए के मोल प्रभाज के क्या होगा, अनुक्रमानुपाती होगा। और यहीं पे अनुक्रमानुपाती अगर हटता है तो एक नियतांक हमें KH जोड़ना पड़ता है, जिसे हम क्या कहते हैं, हेनरी स्थिरांक कहते हैं। KH हमारा क्या है, हेनरी स्थिरांक है। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा कि भाई दाब किस प्रकार से जो है, ये एक्सपेरिमेंटल केस है कि देखा गया है। और यहाँ पे ध्यान रखना होगा कि ताप क्या है हमारा, स्थिर है। ताप हमारा क्या है, स्थिर है। तो ये हेनरी लॉ के अकॉर्डिंग, यानी हेनरी ने ही इसे जो है बताया हुआ था, इस तरीके की कंडीशन को चेक करते हुए उन्होंने बताया कि जो है गैसों के द्वारा डाला गया आंशिक दाब उसके मोल प्रभाज, उसके द्रवों में मोल प्रभाज के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, KH कहते हैं। इसके अतिरिक्त भी आगे चल के और भी एक्सपेरिमेंट किया हेनरी ने, तो हेनरी ने एक और कथन बताया हेनरी के द्वारा। दूसरी स्थिति, दूसरी स्थिति मतलब इस नियम की दूसरी स्थिति, हेनरी के द्वारा नियम की दूसरी स्थिति। इस स्थिति में उन्होंने क्या बताया कि भाई जो गैस द्रव में घुल रहे हैं, एक्चुअली में वो द्रव की क्या क्रिएट कर रहे हैं, विलयता क्रिएट कर रहे हैं। क्या क्रिएट कर रहे हैं, विलयता। अगर वो विलयता यस हुआ, अगर वो विलयता यस हुआ तो यस इज प्रोपोर्शनल टू गैस के द्वारा डाला गया दाब। यानी कि स्थिर ताप पर किसी गैस का द्रव में स्थित विलयता उसके द्वारा उस गैस ए के द्वारा डाले गए दाब के अनुक्रमानुपाती होती है। फिर से समझ लेंगे हम कि स्थिर ताप पर किसी गैस का द्रव में विलयता उसके द्वारा उत्पन्न आंशिक दाब ए, गैस ए के द्वारा उत्पन्न आंशिक दाब पीए के अनुक्रमानुपाती होती है, इसे हेनरी का नियम कहते हैं। ये भी एक हेनरी का नियम है। यहाँ पे भी हम यस प्रोपोर्शनल टू हटाएंगे आएंगे तो K-H हमें रखना पड़ेगा, K-H हम रख देंगे। और यहाँ पे भी K-H हमारा क्या होगा, हेनरी स्थिरांक होगा, हेनरी स्थिरांक होगा। आपको बता दें अलग अलग गैस और अलग अलग द्रव, जैसे अभी तो हम कोई भी गैस जैसे O2 ले लेते हैं और अपना रक्त ले लेते हैं, जैसे अपना रक्त मतलब अपने हम लोग जो सांस लेते हैं श्वसन क्रिया में, तो ऑक्सीजन ले जाते हैं ना अपने फेफड़ी के अंदर, तो वहाँ पे भी जो हमारा श्वसन क्रिया के फल स्वरूप जो रिएक्शन प्राप्त होता है उसमें क्या होता है कि भाई अपने जो ऑक्सीजन रहते हैं जो हमने लिया हुआ है उसको कहाँ विलय करना है, उसे हमें रक्त में विलय करना है, कुछ हीमोग्लोबिन टाइप है इसका। तो वहाँ पे इसका एप्लीकेशन बहुत अच्छे से उपयोग में ले आया जाता है, उसके बारे में जान लेते हैं। और स्थितियाँ भी बहुत सारी हैं, तो हमने देखा कि दो तरीके के एप्लीकेशन मतलब आ जाते हैं। पीए इक्वल टू KH इंटू XA क्या आ गया, XA हमारा ए का मूल प्रभाज है और पीए जो है ए के द्वारा डाला गया जो है दाब है। इसी तरह से यस हमारा गैस ए का जो है द्रव में विलयता है जो, और KH हमारा हेनरी स्थिरांक, तो पीए जो है ए के द्वारा डाला गया दाब है। अब स्थिति उत्पन्न होती है कि एक और कंडीशन हम यहाँ पे जान सकते हैं कि भाई राउल्ट का जो नियम हुआ करता था, राउल्ट का नियम क्या हुआ करता था कि किसी विलयन में ए का वाष्प दाब या फिर ए के द्वारा उत्पन्न दाब, वाष्प दाब ही हम कह सकते हैं, तो ए के द्वारा उत्पन्न दाब उसके वास्तविक वाष्प दाब या दाब और उसके मूल प्रभाज के क्या होता है, गुणनफल के बराबर होता है। यानी कि जो विलयन में ए का दाब किसके बराबर होता है, तो उसके वास्तविक दाब और उस ए के जो है मूल प्रभाज के गुणनफल के बराबर होता है। ये हेनरी का नियम है, इसे हम कहते हैं हेनरी का नियम, और इसे हम कहते हैं राउल्ट का नियम।
ये राउल्ट का नियम हो गया। अब हेनरी का नियम और राउल्ट का नियम को अगर हम कंपेयर करते हैं यानी तुलना करते हैं, तो तुलना वाली स्थिति में हमें क्या पता चलता है कि पीए तो पीए है ही, यक्से तो यक्से है ही, बस फर्क क्या है हेनरी स्थिरांक का और उसके वास्तविक वास्तुदाब का। यानी कि एक ऐसी संभावित स्थिति उत्पन्न होती है जिसमें हेनरी का नियम और राउल्ट का नियम में हेनरी का स्थिरांक वह वास्तविक वास्तुदाब आपस में बराबर हो सकते हैं, यानी कि आपस में बराबर हो सकते हैं। तो ये इस तरीके की भी स्थिति उत्पन्न होती है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से हेनरी का नियम समझ में आ गया होगा। इसी के अकॉर्डिंग आपके पूरे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, न्यूमेरिकल वगैरह बहुत आसानी से आप कर ले जाते हैं। हेनरी के नियम से उठता है क्वेश्चन और हमने वांट हाफ गुणांक आई के लिए हमने बता दिया हुआ है। अब हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। जो आज आप लोग न्यूमेरिकल पूछेंगे अभी फटाफट ये वीडियो देखने के बाद वापस आपको ग्रुप में आना है और जितने भी आपकी क्वेश्चन हो उस क्वेश्चन को आपको हमें भेजना है। अब हम करीब 3-4 दिन तक लगातार, जब तक 30 तारीख आती है तब तक हम जो है आप लोगों को केवल न्यूमेरिकल 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 सॉल्व करवाएंगे। उम्मीद करता हूँ आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। अच्छे से चल रही है तो हमें कमेंट करके बताइए कि हाँ आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही है। अगर कोई चीज़ ना समझ में आता है तो उसे भी कमेंट करिए कि सर इस टॉपिक पर फिर से मुझे वीडियो चाहिए कि बहुत अच्छे समझा दीजिए, यहाँ पे मुझे बातें समझ में नहीं आई, तो वो भी आपका स्वागत है। उम्मीद करते हैं आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। टेक केयर, ऑल द बेस्ट।